हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक आज 7.5% नीचे। इसका मेन रीजन है वो स्टॉक का रिजल्ट। यस्टरडे स्टॉक ने अपने Q3 रिजल्ट को डिक्लेयर किया। रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन से खराब है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब है, बट कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर प्रॉफिट थोड़ा नीचे है। बहुत नीचे नहीं है बट नीचे है डेफिनेटली। एट दैट मोमेंट मार्केट उस स्टॉक को रिवॉर्ड दे रहा है जिनका प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गया है या फिर बहुत बढ़ चुका है। जस्ट लाइक टाटा इलेक्सा जिसका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ चुका था, इस कारण दो दिन में स्टॉक ऑलमोस्ट 15% बढ़ चुका है। बट जिन स्टॉक ने रिजल्ट उतने अच्छे नहीं दी या फिर रिजल्ट प्रॉफिट जो है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर खराब है, वो पनिश हो रहा है। जस्ट लाइक टाटा, जस्ट लाइक L&T टेक्नोलॉजी सर्विस जिसके रिजल्ट अच्छे तो थे बट एक्सपेक्टेशन से खराब थे, इसलिए स्टॉक को पनिशमेंट मिला। वहीं L&T इन्फोटेक का रिजल्ट कंपेयर टू L&T सर्विसेज उससे अच्छे थे, तो स्टॉक में उतना करेक्शन हमने नहीं देखा। बट ओरेकल फाइनेंस इज अ वेरी गुड कंपनी एंड ये कंपनी मेरे रडार पे, मैं हमेशा स्टॉक को बाय करने का रिकमेंडेशन करता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने स्टॉक को रिकमेंड किया था बट रिजल्ट खराब है इसलिए मार्केट स्टॉक को पनिश कर रहा है। बट एट दैट मोमेंट ये 6 मंथ लो के करीब है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब रिजल्ट है। सो इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक। अगर आपको एक ऐसा स्टॉक चाहिए जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे आपको, दिस स्टॉक इज फॉर यू। एंड एट दैट मोमेंट ये स्टॉक आपको बाय करना चाहिए। 3500 टू 3700 आई होप इस रेंज पे स्टॉक रुक जाए एंड इसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक स्टॉक को देखने को मिला। आई होप कि नेक्स्ट 3 महीने स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, मार्केट बढ़े तो डेफिनेटली ये ऊपर की तरफ तो जाएगा। बट इन नेक्स्ट रिजल्ट आई होप इट विल बी अ गुड वन एंड देन स्टॉक न्यू 5000 की तरफ का मूवमेंट देगा। नीचे की तरफ सबसे बड़ा जो 52 weeks लो सपोर्ट है 3000 के करीब, बट एट दैट मोमेंट 6 मंथ लो के करीब ट्रेड कर रहे हैं। सो 37 से 3500 इज अ बाइंग जोन फॉर मी। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है बाई करने में तो वेट कीजिए, अगर और करेक्ट होता है देन यू कैन गो एंड यू कैन बाय। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक को बाई कर सकते हो। मार्केट कैप 32,000 करोड़, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ओनली 17, दैट इज समथिंग हैव टू कीप इट इन योर आईज। जितने भी मिड कैप स्मॉल कैप IT स्टॉक है उनका प्राइस टू अर्निंग मोर देन 50 के पास है, 60, 80, 90, बट इसका प्राइस टू अर्निंग 17 है। FNO में भी शामिल है, डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर आपको फोकस रखना है। अगर FII का बाइंग आता है तो डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत शॉर्ट टर्म में अच्छा मूवमेंट आपको देगा, देन 4000 के नीचे ये स्टॉक नहीं आएगा। टेक्निकल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट RSI में भाई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो जो शॉर्ट टर्म के स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में इसका स्कोर है 42.7, MFI में 65, यानी स्टॉक RSI में ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में, MFI में टुवर्ड्स ओवरबॉट जोन की तरफ ये है। बट आफ्टर टुडेस करेक्शन आई होप इसका जो स्कोर है वो बिलो 60 आ जाएगा। रिटर्न की बात करें सो 3700 इज अ 1 week लो, 1 week हाई 4232, यानी एक वीक में स्टॉक मोर देन 12-13% करेक्ट हो चुका है। 1 month लो भी यही है, 1 month हाई भी यही है, 3 month हाई है 4977, ऑलमोस्ट 5000 वहां से स्टॉक कितना करेक्ट हुआ है। सो 3 महीने में स्टॉक अगर ऑलमोस्ट 12-13% गिरता है सो डेफिनेटली आपको स्टॉक के ऊपर फोकस करना है। इट्स अ ओवरसोल्ड स्टॉक बट रिजल्ट के कारण आज स्टॉक और भी गिरा है। सो डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 6 month में ये सबसे लोएस्ट लेवल है स्टॉक का एंड 1 year लो है 3000। सो डेफिनेटली 3000 to 3700 इज अ बाइंग जोन। बट आई एम नॉट सेइंग दैट ये 3500 भी ब्रेक करेगा, अगर करेक्शन में गिरता है सो 3500 इज अ प्योरली बाइंग जोन फॉर यू। नाउ इससे पहले मैंने अपोलो हॉस्पिटल के बारे में बताया, स्टॉक में 2 दिन में बहुत सेल आ पाया था, मैंने कहा था ये स्टॉक बाइंग जोन पे, डू नॉट सेल इट। एंड 4400 से 2 दिन में स्टॉक 350 बढ़ चुका है, 3700 के करीब ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक, इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। अगर हम इसका 30 day, 50 day, 100 day, 200 day सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें, नाउ यू कैन सी स्टॉक सारे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के नीचे, 200 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 4092 है, इसके भी स्टॉक बहुत नीचे है। सो डेफिनेटली नॉर्मली जब इसके नीचे स्टॉक चला जाता है स्टॉक में हम अच्छा खासा सेल ऑफ देखते हैं, ऐसा हुआ भी, वहां से भी 300 गिर गया है, यानी अगर 100 रुपीज और गिरता है तो अपना 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज से भी 10% नीचे यह स्टॉक चला जाएगा। तो दैट इज समथिंग आई एम टेलिंग यू, एक लेवल पे स्टॉक में अच्छा खासा बाइक हम देखेंगे। अगर हम सपोर्ट देखें, एवरी 100 रुपीज इज अ सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, 3700 के करीब है, 3600-3500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे इस स्टॉक को एक सपोर्ट लेना है एंड उसके नीचे 3000। सो डेफिनेटली इसी जोन पे आपको बाय करना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास अगर 100 रुपीज स्टॉक में डालने के लिए एवरीथिंग यू कैन इन्वेस्ट, 25 रुपीज आप अभी इन्वेस्ट कीजिए। अगर स्टॉक यहाँ से सपोर्ट के ऊपर की तरफ जाता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, वेट फॉर 1 month, देन यू कैन इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द मनी अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, क्योंकि नेक्स्ट रिजल्ट से पहले बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। बट इतना ओवरसोल्ड होने के बाद स्टॉक 5-10% बढ़ सकता है, सो आपको एक रिजर्व अमाउंट मिलेगा
फर्स्ट स्टॉप लॉस लगाने के लिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप 10% नीचे स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपको लॉस नहीं होगा। ऊपर की तरफ 4000 इज अ बिग बिग रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड उससे पहले 38, 40, 38.95, 39, 45 आर द रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड नीचे 3500 इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अगर हम इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फंडामेंटल में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा Q3 रिजल्ट, क्योंकि यस्टरडे थोड़ा लेट आया था इसका रिजल्ट, इसलिए मैं एनालिस कर नहीं पाया। आपको मेन फोकस करना है इसके रिजल्ट के ऊपर। अगर हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस देखें दिसंबर के, सो सेल्स 1266 करोड़ कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, सेल्स थोड़े डाउन है बट कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर 1238 करोड़ सेल्स थोड़े ज्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस की अगर बात करें, एक्सपेंसेस 682 करोड़ वर्सेस 651 करोड़, यानी एक्सपेंसेस बढ़ा, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी 627 से 682 आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 585 करोड़ वर्सेस 630 करोड़, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है, ईयर ऑन ईयर भी 611 करोड़ से 585 हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 593 करोड़ वर्सेस 627 करोड़, यानी प्रॉफिट जो है वो भी घटा है। नॉर्मली अगर इसका हम परफॉर्मेंस देखें, कंसिस्टेंट यही इसका प्रॉफिट रेंज होता है, 500 के नीचे नहीं गया, 700 इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, सो इसी रेंज में ये है। एंड 593 ऑलमोस्ट अप्रॉक्स आप 600 करोड़ का प्रॉफिट लगा सकते हो। जून में 738 करोड़ था, वहां से सितंबर में गिरा, देन दिसंबर में और गिरा, सो इन दैट वे परफॉर्मेंस थोड़ा खराब हुआ है, आपको इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है। वही इसका जो मेन रिजल्ट सबसे अच्छा सीजन होता है वही जून का, सो ये दिसंबर, सो नेक्स्ट सिक्स मंथ में हम अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक से एक्सपेक्ट कर सकती, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब दिसंबर का रिजल्ट आया था उसके बाद मार्च का भी रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम था, बट जून में हमने अपसाइड देखा था। सो इट्स नॉट अ वेरी वोलेटाइल काइंड ऑफ स्टॉक, बट अगर आप ही पे बाई करते हैं, सिक्स मंथ का आपका होराइजन है, तो आई होप कि ये स्टॉक फिर से 5000 के लेवल को टच करेगा, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। एंड सिक्स महीने अगर किसी स्टॉक को होल्ड करके आपको 20-30% प्रॉफिट होता है, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम स्टैंडर्ड लोन रिजल्ट को भी देखें, सो इन दैट केस प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हो, 388 करोड़ वर्सेस 403 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 392 करोड़ थे। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट खराब हुआ है, अगर यहाँ से प्रॉफिट 420 करोड़ भी होता तो इतना स्टॉक नहीं गिरता, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हुआ है, सो डेफिनेटली 2-3% गिरता फिर बाउंस बैक आता, बट मार्केट को थोड़ा और एक्सपेक्टेशन है, इसलिए स्टॉक में थोड़ा सेल ऑफ है, स्मार्ट मनी मूव हो रहा है इस स्टॉक से उन स्टॉक्स की तरफ जहाँ पे रिजल्ट अच्छे, लाइक L&T Infotech, टाटा इलेक्ट्रिक, जिन्होंने ऑलरेडी रिजल्ट को डिक्लेयर किया है, बट देर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। एक टाइम के बाद इसमें भी एक बॉटम बन जाएगा, एंड वहां पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा अपसाइड आएगा, देन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें भी हम अच्छा खासा बाइंग देंगे, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो अट्रैक्टिव है, जब सारे स्टॉक का पी बढ़ जाएगा, सो नॉर्मली FIDI का फोकस इस स्टॉक में ही होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कंसिस्टेंट परफॉर्मर लाइक Persistent Systems। सो रिजल्ट इज नॉट दैट मच बैड, थोड़ा गिरा है, बट ऐसा नहीं कि कंपनी का पूरा प्रॉफिटेबिलिटी लॉस में कन्वर्ट हो गई या फिर बहुत ज्यादा डिजास्टर है। सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस चीज को आपको बहुत ध्यान से नजर रखना है। प्रोमोटर्स के पास 73% है, यानी प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ज्यादा है, जिस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग ज्यादा होता है इसमें FIDI का ज्यादा पोजीशन तो बन नहीं पाता, बट इन दिस पर्टिकुलर कंपनी सभी का मेजर पोजीशन, FI के पास 8.25, DI के पास 9.28 एंड पब्लिक होल्डिंग 9.38, यानी रिटेल इन्वेस्टर DI हो FI हो सभी के पोर्टफोलियो में स्टॉक है, बट ओवर द ईयर FI ने अपनी पोजीशन को घटाया है, DII एंड रिटेल इन्वेस्टर ने अपने पोजीशन को बढ़ाया है। सो डेफिनेटली डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी एंड हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उनका अगर भरोसा स्टॉक में ज्यादा है सो वो ज्यादा अच्छा है, इसलिए स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। FI का पोजीशन अगर ज्यादा होता सो डेफिनेटली स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता, बट इट्स अ गुड स्टॉक। आई होप आपको 3500-3700 इन बीच में ही बाई करना है, एंड आपको सिक्स मंथ का होराइजन रखना है, एंड अगर वन ईयर का होराइजन रखते हो सो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ से 5000 टच करेगा, ऐसा मेरा मानना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।